आप देख रहे हैं BHBC News। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1,31,20,000 पहुंच चुका है, तो वहीं अब मौत का आंकड़ा 6,00,000 को छूने वाला है। लगातार बढ़ रहे आंकड़ों से WHO भी सकते में आ गया है। साथ ही जिस चीन से कोरोना शुरू हुआ, वहां अब कोरोना के ना के बराबर आंकड़े हैं। चीन को लेकर WHO की कार्रवाई पर अमेरिका लगातार सवाल उठाता रहा है और WHO अन्य देशों से भी आलोचनाओं का शिकार होता हुआ आया है। वहीं एक बार फिर चीन और WHO को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को व्हाइट हाउस में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, नहीं, मैंने उनसे बात नहीं की, मेरी उनसे बात करने की कोई योजना नहीं है। इसमें कोई दोराय नहीं है कि हम संक्रमण को छिपाने और इससे दुनिया भर में फैलाने के लिए चीन को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराते हैं। इसे रोका जा सकता था। वह इस मुद्दे पर चीन का पक्ष लेने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO पर भी बरसे। ट्रंप ने कहा कि वे वास्तव में चीन की कठपुतली थे। साथ ही ट्रंप ने कई देशों से चीन की हुआवे कंपनी की सेवा न लेने की अपील की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हुआवे कंपनी की सेवा लेने से सुरक्षा का एक बड़ा खतरा सामने आ सकता है। इससे पहले ब्रिटेन भी चीनी कंपनी हुआवे का इस्तेमाल न करने का ऐलान कर चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर चीन के खिलाफ लगातार सख्त होते जा रहे हैं। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार समझौते के दूसरे चरण की उम्मीदों को उस समय झटका लगा जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने साफ साफ कहा कि अमेरिका और चीन के रिश्ते गंभीर रूप से खराब हो चुके हैं। उन्होंने एक बार फिर कोरोना वायरस को लेकर चीन को घेरा। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक एयरफोर्स वन में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कहा कि अभी हम अमेरिका और चीन के बीच व्यापार समझौते के बारे में नहीं सोच रहे हैं। उन्होंने चीन पर आरोप लगाते हुए कहा, वे प्लेग को रोक सकते थे, वे इसे भी रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने इसे नहीं रोका। जब अमेरिका और चीन ने जनवरी में अपने व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे तो वह पहला चरण था। इसके बाद दूसरे और तीसरे चरण में और भी महंगे डील होने की संभावना है। विश्व की दो आर्थिक शक्तियों के बीच अभी दूसरे और तीसरे चरण की बातचीत के लिए अभी तक कोई समय निश्चित नहीं किया गया है। कोरोना संक्रमण के कारण उपजे आर्थिक संकट के कारण भी फेज वन के पहले चरण में हुए समझौतों के मुताबिक चीन के द्वारा अमेरिकी सामान के खरीदने के लक्ष्यों को पार करना मुश्किल दिख रहा है। वहीं ट्रंप ने कहा कि चीनी वायरस से अमेरिका पूरी ताकत से लड़ रहा है। आप देख रहे हैं BHBC News।